एक बार फिर भारी बारिश का दौर शुरू हो गया है। जयपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में 22 अगस्त से ही रुक रुक कर बारिश शुरू हो गई थी। वहीं जयपुर मौसम केंद्र ने 27 अगस्त को पूर्वी राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही और उदयपुर में बहुत भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही पश्चिमी राजस्थान के जालौर में भी भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पिछले 24 घंटे के मौसम की बात की जाए तो पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में अधिकांश स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ साथ हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। राज्य में सबसे ज्यादा बारिश प्रतापगढ़ की पीपलखुंटा में 260.0 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई और इसी के साथ सोमवार को 6 जिलों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया था। इनमें 12 भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, झालावाड़ और जोधपुर जिला शामिल है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन राजस्थान में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान पर बना डीप डिप्रेशन सोमवार को धीरे धीरे पश्चिम की ओर बढ़ते हुए दक्षिणी राजस्थान और इसके आसपास के इलाकों में पहुंच गया है। इसके अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण राजस्थान और उसके आसपास के गुजरात क्षेत्र से होते हुए कच्छ सौराष्ट्र क्षेत्र की ओर बढ़ने की प्रबल संभावना है। इसके प्रभाव से उदयपुर जोधपुर संभाग के दक्षिण इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बहुत भारी और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक 4 दिन पहले जो नया परिसंचरण बना था उसके कारण राजस्थान में बारिश का दौर लगातार जारी है। 28 अगस्त को दक्षिण पश्चिम राजस्थान के कुछ एक स्थानों पर भारी बारिश होने और इसके साथ ही शेष अधिकांश भागों में भारी बारिश की गतिविधियों में कमी आने की प्रबल संभावना है। अगले 2 दिनों में भरतपुर, जयपुर, अजमेर, कोटा और बीकानेर संभाग के कुछ एक भागों में हल्की से मध्यम बारिश के कुछ दौर दर्ज किए जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब के राजस्थान।